घूमते रहते हैं एक्टर्स की, मराठी एक्टर्स घूमते हैं, मराठी एक्टर्स का डांस वांस वहाँ पर होगा, उसके अंदर सब कुछ होगा। और कई बार हमारे एक्टर्स जो वहाँ पर जो साइकिल वहाँ पर घूम रहे होते हैं वो दिख जाते हैं। वेल अभी दोस्तों जो आप लेक से करके आए हो ना, हमारे मुंबई के अंदर पानी की कमी को लेक कम्प्लीट करते हैं। दोस्तों आपको पता है हमारी मुंबई की आबादी विश्व में सबसे ज्यादा किसी सिटी की तो बॉम्बे की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग बॉम्बे में रहते हैं जिनके पास आधार कार्ड, उसके अलावा बाहर के लोग भी रहते हैं, राइट। और जो आप लोग बाहर से आए हो दोस्तों, अगर देखा जाए तो 50 लाख से ज्यादा लोग तीसरा कार्ड जाना करते हैं। वेल दोस्तों इसके बावजूद भी मुंबई में कभी पानी की कमी नहीं होती है दोस्तों, और हमने आज तक समुद्र के पानी को डीसलाइन नहीं किया, इसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहते हैं कि मुंबई आई यानी पार्वती माँ का वरदान है, इसीलिए हम पानी की कमी है, राइट। वेल दोस्तों जगह आप लोग खड़े हैं, आप रईस को भी देखिए, रईस को गोली मार देते हैं दोस्तों। यहाँ क्यों किया गया है, क्योंकि नहीं है बाकी लोग कहना डिफिकल्ट है ना। एक गाना है अक्षय कुमार का, एक ग्रीन था, ऐसा क्यों दोस्तों, हमारे मुंबई में 12 जून से लेकर तकरीबन 18 अक्टूबर तक बरसात की जरूरत होती रहती है, मुसलाधार बरसात, राइट। तब ये पूरा एरिया ऐसे बन जाता है जैसे कि आप कश्मीर हिमाचल नैनीताल आ गए ऐसा लगता है, तो बीच में शूटिंग भी करते हैं, ठीक है। चलो धीरे धीरे चलो, लेकिन सर मैं आपको महल दिखाएगा। दोस्तों सम्राट पृथ्वीराज चौहान में स्वयंवर हुआ है यहाँ पर अक्षय कुमार का, मानस चिन्ह है जो पृथ्वीराज चौहान का सहयोग होता है, अब देखो सीन है पृथ्वीराज चौहान। भाई ये जो ग्राउंड है इसका नाम है हेलीपैड ग्राउंड, हल्का सा रोकना यहाँ पर आगे ट्राई करके, क्योंकि यहाँ पर सर्कस से कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ मेला वगैरह बनाने वाले हैं। भाई जितनी भी आप सर्दी मूवीज देखते हो, माइक्रो थिएटर मूवीज देखते हो, सब में इसी ग्राउंड को तैयार करते हैं। कैसे, इसे चारों तरफ ग्रीन पर्दा लगाते हैं, सेंट्रल शूटिंग करते हैं, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा तभी देख पाएंगे ना दोस्तों। यहाँ पर सेटअप लगा देंगे, तीसरी मूवी का क्लाइमेक्स भी यहीं पर शूट हुआ है, राइट। अभी पिछड़ा चौहान फिल्म आने वाली सब यहीं पर ही हुआ है, आने वाली फिल्म को तो शमशेर का भी यहीं पर ही हुआ है दोस्तों। ऐसा क्यों करते हैं, रुको ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों, एक्चुअली में क्या है, मुंबई के बीचों बीच ऐसी जगह मिलना बहुत मुश्किल है, इस तरह की जगह मिल सकती है पंजाब हरियाणा हिमाचल बहुत सारी जगह मिल सकती है, और पूरी टीम को लेकर के वहां जाके शूट करना मतलब कि 10 गुना ज्यादा खर्चा होगा। फिल्म मेकिंग इज अल्टीमेटली बिजनेस, तो दोस्तों कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्चे में बढ़िया से बढ़िया, और यहाँ पर टेक्निकल टीम इजली अवेलेबल है, बड़ी बड़ी मशीन घोड़ा गाड़ी सब आ सकता है ना, बाकी जगह मुश्किल होता है, इसे करते हैं। और फिर यहाँ के लोगों को यहाँ की आदत भी लगी है, बाहर जाके कैसा क्लाइमेट कैसा है, गवर्नमेंट परमिशन लेती है क्या होता है, इसीलिए यहाँ बहुत सारे गाने बने हैं। राइट में रोकना, इस पॉइंट का नाम है एको पॉइंट। एको पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये लोग कोने में खड़े होकर बोलेगा प्रिया 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 गई, ऐसा भी होता है कई बार कश्मीर हिमाचल दिखाते हैं, साजन मेरा दिल आती आती आते तेरिया, ओ मेरा बाबू है छबीला, तल से तल मिला जा जाके कहां मन में थे। सेंटर का पेड़ बड़ा कमाल का है, जब करवा चौथ का त्योहार आता है तो सुहागन औरत अपने पति की लंबी आयु के लिए टिकट काटी जाती है, पर पति देव पानी पिलाते हैं, अगर तुम मेरे क्या हो जमाना छोड़ देंगे हम, लेकिन ऐसा शादी के एक साल तक ही करती है, उस दिन सिंदूर लगाती है, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, रात भर धीरे चलना है दोस्तों। करवा चौथ का त्योहार है ना, ये पंजाब से आया है, हमें पंजाब मतलब यहाँ 5 नदियां बहती है, अभी फिलहाल 2 इंडिया में बह रही, बाकी 3 पाकिस्तान पंजाब में बह रही दोस्तों। ये त्योहार इतना अच्छा है कि टीवी ने फिल्मों ने से इतना मशहूर कर दिया कि कनाडा में इंग्लैंड में फ्रांस में हमारे भारत अलग अलग स्थान में माना जाता है, जैसे यूपी बिहार में जो छठ पूजा है वो भी ऐसी है, पति की लंबी भी आई के लिए पति को सूर्य समान समझते हैं, और ओम नमः सूर्या शांताय सर्वभूते निवारिणी आयु करोगे मैं सूर्या देवी, यानी जैसे सूर्य धरती में प्रकाश लेकर के आता है ऐसे ही पति पत्नी के जीवन में प्रकाश लेकर के आता है, राइट। दोस्तों हमारे महाराष्ट्र में और उत्तराखंड के अंदर जो वट सावित्री व्रत है वो भी ऐसा ही है, पति को वट दृश्य समान मानते हैं, वट मतलब बर्गर, ऐसा क्योंकि बर्गर में लोग होते हैं
बताओ